पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के उत्पीड़न के विरुद्ध वनवासी कल्याण परिषद एवं सकल हिंदू समाज की मातृशक्ति ने राज्यपाल के नाम डिप्टी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। शिवपुरी जिले की वनवासी कल्याण परिषद एवं सकल हिंदू समाज की मातृशक्ति ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं पर हो रहे अमानवीय अत्याचार पर रोक लगाने और महिलाओं के लिए इंसाफ की मांग की। सुनिए क्या कहा महिलाओं ने। मैं मातृशक्ति ग्रुप से हूँ, उसके विभाग संयोजिका, और हमारे साथ में किरण है, ये है इसकी संयोजिका। और आज हम लोग संदेश खाली में जो महिलाओं के सर उत्पीड़न और अत्याचार हो रहा है और उसके बारे में ममता सरकार बिल्कुल कुछ नहीं करना चाह रही है, बिल्कुल निकम्मी दिखा रही है उसको, और महिलाओं को घर से ले जाके उनके साथ इतना गंदा व्यवहार आज वहाँ हो रहा है, कल कहीं और हो सकता है, तो उसके विरोध में हम लोगों ने ये निकाला है मातृशक्ति ग्रुप एवं वनवासी कल्याण परिषद। क्योंकि ये सारी महिलाएं कौन सी हैं, दलित हैं, वंचित हैं, उनके साथ इतना अत्याचार बहुत गलत है, हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे, और उसके लिए हमने यहाँ आके कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है राज्यपाल के लिए। अगर आपकी बातें यहाँ पर सुनी नहीं जाती उस केस में आप लोग क्या करेंगे? अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगे तो हम इसको और बड़ा करेंगे संगठन, और इसके बाद हम भोपाल जाएंगे, वहाँ पर सारी नारी शक्ति इकट्ठी होके और अपने मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बात को रखेंगे, और सुनना ही पड़ेगी, केंद्र तक ये बात जाएगी, क्योंकि हमने ये ज्ञापन जो दिया है वो राज्यपाल जी के लिए दिया है, ताकि वो बात हमारी केंद्र तक पहुँचे, और केंद्र से पहुँच के वहाँ तक पहुँचे, जो उनके कानों में आवाज़ नहीं जा रही वो आवाज़ पहुँचाने के लिए हमने ये रखा है कि हम विरोध इनका जरूर करेंगे, अत्याचार सहन नहीं करेंगे, क्योंकि ये संदेश खाली कहीं पे भी हो सकता है अगर हम इसके विरोध में खड़े नहीं हुए। नारी शक्ति को नारी के लिए आना ही पड़ेगा आगे। नारी शक्ति जिंदाबाद। क्या मामला लेके आई हैं आप आज कलेक्ट्रेट में? जो कि बंगाल, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो कि वहाँ की मुख्यमंत्री होने के नाते वहाँ जो महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, संदेश खाली जो कि कलकत्ता के 75 किलोमीटर ही एक टापू है, उसमें इतना घिनौना और महिलाओं के साथ इतना गलत बलात्कार, रेप, ऐसे महिलाएं को उत्पीड़न से वो गुजर रही हैं, वहाँ पर उनका रहना मुश्किल है, खाना मुश्किल है, उनकी खेती बाड़ी सब बर्बाद कर दी है, और महिला होने के नाते ममता बनर्जी सीएम महिला है, मुख्यमंत्री हैं, उनके राज्य में इस तरह की घटना, ये बहुत शर्मनाक घटना है, जो कि हम सब महिलाएं उनका मतलब वो अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि हम ये सब मांग करते हैं, महिला ही महिला की सुरक्षा का ध्यान रखती है। अगर हम आज किसी भी बात पे बोलते हैं कि महिलाएं मुख्यमंत्री बने, ये सब महिलाएं आगे आए, तो उनके राज्य में इस तरह की हरकतें हो रही हैं कि महिलाओं का जीना मुश्किल है, और आज जो है महिलाएं रो रही हैं, वो अपनी आप बीती किसी से कह नहीं पा रही, नई छोटी लड़कियाँ, सुंदर लड़कियाँ, कोई भी महिला जो उनको दिखती है तो वो रात में उठवा लेते हैं, काफ़ी वर्षों तक उनका शोषण हो रहा है, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, तो इस बाबत में हम लोग यहाँ पे ये ज्ञापन देने आए हैं कि सुनवाई हो और हमारे ममता बनर्जी मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दें, और महिलाओं की सुध लेना उनका काम था जो कि उन्होंने नहीं किया। किस बैनर तले आपने ज्ञापन दिया है? आज हम लोग मातृशक्ति के बैनर तले सभी बहनें आई हैं, और सभी इस पीड़ा से बहुत आहत पहुंचा है, और आज उनके साथ हुआ है, और आज सबके साथ होगा, ये दुर्दशा महिलाओं की अब नहीं होना चाहिए, और हमारे जो है जिस तरीके से हमारा भारत देश का वर्चस्व बढ़ा है और हमारा भारत देश इतनी ऊंचाई पहुंचा, आज भी हम ये महिलाओं का शोषण देख रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा, हम सब महिलाओं का नहीं होगा जो हो रहा है।